नीरज सिन्हा राज्य के 14वें डीजीपी बने। निवर्तमान डीजीपी एमवी राव ने नीरज सिन्हा को चार्ज दिया। मूल रूप से साहिबगंज निवासी नीरज सिन्हा ने कहा कि कानून और सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य होगा। विधि व्यवस्था को बनाए रखना और अपराध नियंत्रण उनकी प्राथमिकता होगी। नक्सलियों पर कड़ी कार्यवाही होगी। देश की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी। नए डीजीपी ने कहा कि जनता से अपील है कि वे अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण के कार्यों में पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने कहा, हम लोग वर्दी पहनते हैं, लेकिन जनता बिना वर्दी के ही कानून की रक्षक है। विधि व्यवस्था में आम जनता के सहयोग के बिना पुलिस अपराध पर नियंत्रण नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि एसबी में रहते हुए भ्रष्टाचार करने वालों के विरुद्ध पर पूर्व से काम करते रहे हैं, जो जारी रहेगा। त्वरित अनुसंधान, पांचवा उच्च कोटि का त्वरित अभियोजन, छठा आम नागरिकों से पुलिस का पुलिस द्वारा शालीन व्यवहार, सातवां पुलिस कर्मियों का कल्याण, खासकर उनके रहने की स्थितियों और काम करने की स्थितियों में सुधार, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरे पुलिस संगठन को एक टीम के रूप में रखना और एक संगठित टीम के रूप में काम करना। विमर्श कर रहे थे, कहाँ समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, क्या इंटेंसिटी है समस्याओं की, किन इलाकों में है, तो उन इलाकों की पहचान की गई है और उन क्षेत्रों में नक्सलवाद काफी ऊपर की प्राथमिकता रही।